बेहद ही शर्मनाक तस्वीरें, और किस तरह से देख सकते हैं डायल 112 की गाड़ी पर 25 से 30 बदमाशों ने बीती रात को हमला कर दिया। हमला क्यों किया आपको मैं एक पूरी विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं जो इस गाड़ी के ऊपर जो ये ईंटें बरसाई गई, वो ईंटें भी गाड़ी के अंदर आपको नजर आ रही होंगी, और पूरी तरह से आगे पीछे से गाड़ी को बदमाशों द्वारा तोड़ा गया। आपको ये इवेंट जो है, आपको बता दूं रात को 11:30 बजे एक इवेंट आता है, एक कॉल आती है डायल 112 पर कि यहाँ पर DJ बज रहा है मोहल्ले द्वारा, वहां पर आके इसे बंद करवाया जाए। जब बंद करवाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर एक जन्मदिन पार्टी चल रही थी। जन्मदिन पार्टी पर जब पुलिस पहुंचती है बंद करवाने के लिए, तो पुलिस के जवान 3 पहुंचते हैं और सामने से 25 से 30 बदमाश जो बताए जा रहे हैं इस गाड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं। डायल 112 की 429 नंबर गाड़ी वहां पर पहुंची थी, उसके बाद लगातार 25 से 30 बदमाशों ने इस गाड़ी के ऊपर हमला बोल दिया, और इस गाड़ी के तमाम शीशे आप देख सकते हैं आपको टूटे हुए नजर आ रहे होंगे। ईंटें अंदर तक पहुंच गई, ईंटें फिलहाल कुछ एक पुलिस ने मौके से कब्जे में ले ली थी। आप देख सकते हैं ये ईंटें हैं, और वो बदमाश अब फिलहाल फरार बताई जा रही है। वाल्मीकि बस्ती का रामनगर का ये मामला है, जिसमें आप देख सकते हैं काफी शर्मनाक बात जरूर है, क्योंकि एक काल दूर आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा जो डायल 112 की गाड़ी खड़ी रहती है उसी के ऊपर किस तरह से कुछ एक बदमाशों ने, 25 से 30 बदमाशों ने इस गाड़ी के ऊपर हमला बोला है। आप ईंटों के निशान देख सकते हैं, कहाँ कहाँ तक देख सकते हैं ईंटें जो है वो बरसाई गई है। ये देख पा रहे हैं किस तरह से शीशे आपको टूटे हुए इस गाड़ी के नजर आ रहे होंगे। इसके अंदर 3 जवान थे जो मौके पर पहुंचे थे, उनके ऊपर भी हमला बोल दिया गया। जी हां, उन्हें भी चोटिल किया गया। फिलहाल उनके मेडिकल करवा और एक्सरे करवा कर जो पुलिस ने मामला है वो दर्ज कर लिया है, और फिलहाल पुलिस छापेमार जरूर कर रही है ताकि उनको जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए। मेरे साथ करनाल के रामनगर थाने से SHO जो है वो भी मौके पर है, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी शर्मनाक ये बात है, किस तरह से आपकी सुरक्षा, आपकी सहायता के लिए तत्पर रहने वाली पुलिस के ऊपर ही हमला बोल दिया जाएगा, तो किस तरह से आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस आगे आएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के आप अंदर, आपने इन तस्वीरों को इतना शेयर करना है ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है इन बदमाशों के खिलाफ हो सके। करनाल के रामनगर वाल्मीकि बस्ती में रात को DJ बज रहा था, DJ बंद करवाने के लिए जब वहां पर पुलिस पहुंची तो पुलिस के ऊपर ही 3 जवानों के ऊपर 25 से 30 बदमाशों ने हमला बोल दिया। और अपील आप सभी से बार बार मैं एक ही करूंगा, इस वीडियो को आपने शेयर करना, कमेंट के अंदर राय भी जरूर दे रही है कि उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ अब SHO रामनगर है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ वे कहना चाहेंगे। आप देख सकते हैं रामनगर की टीम इस समय मेरे साथ मौजूद है, और बीती रात को जब एक DJ बंद करवाने का मामला आया 112 की जो गाड़ी के पास इवेंट गया, 11:30 बजे जब वह मौके पर पहुंचते हैं वहां पर DJ बंद करवाने के लिए बोलते हैं तो पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया जाता है। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, डायल 112 की गाड़ी दिखाई, जो ईंटें लगभग 4 ईंटें पुलिस ने कब्जे में ले ली हैं, उन ईंटों के द्वारा उस गाड़ी को तोड़ा गया है। मेरे साथ इस समय रामनगर थाना के SHO मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला था, क्यों उन्होंने इस तरह से हमला किया। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, बीती रात को डायल 112 को तोड़ा गया है, क्या कुछ पूरा मामला था? ये जी कल रात को डायल 112 से ERV 429 को एक इवेंट प्राप्त हुआ था 11:36 PM पे, वह अपना वाल्मीकि बस्ती रामनगर करनाल में DJ बज रहा है, उसको बंद करवाया जाए। जैसे ERV वहाँ मौके पर पहुँची है तो उन्होंने अपना रमेश नाम के व्यक्ति के लड़के का जन्मदिन था, वो अपना DJ बजा के अपना नाच गा रहे थे, तो जैसे रमेश को कहा DJ बंद करवाने के लिए तो उन्होंने अपना 25-30 जो लड़के DJ पर नाच रहे थे उन्होंने पुलिस की पे ERV के जवानों पर उसी टाइम हम मुसरा होकर ड्यूटी में बाद पता है उन पर जानलेवा हमला कर दिया जी, और गाड़ी को भी तोड़फोड़ कर दी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चोट भी लगी है सर? चोट लगे, मुलाजिम को लगी चोट जी। जी सरकार की तरफ से हिदायतें हैं 10 बजे के बाद DJ नहीं चलना चाहिए, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों को? रोजाना इस तरह से रात को इवेंट आते हैं, सारी जितनी भी गाड़ियां हैं उनके ऊपर DJ के लेकर हम तो ये अपील करते हैं जी, रात को जो सरकार की हिदायतें हैं उनका पालन करना चाहिए ताकि दूसरा आमजन को किसी को असुविधा ना हो। तो जिसने चलाना भी है वो SP साहब से परमिशन लेकर चलाएगा? परमिशन लो, उस चीज़ को परमिशन भी 10 बजे तक की है सरकार की तरफ से जी। जी जी
आप देख सकते हैं SHO रामनगर है, उनका साफ तौर पर कहना है मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। जन्मदिन की एक पार्टी चल रही थी जहां पर डीजे बंद करवाने के लिए डायल 112 को कॉल किया जाता है कि इस तरह से वहां पर डीजे बंद करवाइए, हमें सोने में परेशानी हो रही है, बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है। इस तरह से रात को हजारों कॉल पुलिस के पास पहुंचनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद डायल 112 की गाड़ी वहां मौके पर पहुंची, वहां पर प्रयास किया गया बंद करवाने का, तो पुलिस के जवानों के ऊपर डायल 112 के ऊपर हमला जानलेवा बोल दिया जाता है, जिसमें डायल 112 के जवानों को भी चोट जो है आई है और साथ ही साथ गाड़ी को भी तोड़ दिया गया। अपील आप सभी से करूंगा इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ जो है होनी चाहिए। SHO रामनगर ने हमें जिस प्रकार से बताया है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है।